कोरोना वायरस जिस तरह से देश में तबाही मचा रहा और उसके बाद पूरे देश में बंदी कर दी गई है, यानी लॉकडाउन कर दिया गया है। ऐसे में गरीबों के सामने तमाम तरह की समस्याएं आ रही हैं। हालांकि सरकार ने गरीबों के लिए तमाम तरह की सुविधाएं और तमाम तरह के साधन दिए हैं जिससे उन्हें कोई दिक्कत ना आए, फिर भी कोशिश की जा रही है कि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा मदद दी जाए। अभी तक जैसे राशन कार्ड धारकों को मदद दी गई थी, खाद्य सामग्री दी गई थी, केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार दोनों दे रहे हैं, लेकिन एक बात सामने नजर आई कि जिनके पास राशन नहीं है, यानी राशन कार्ड नहीं है, और उनके सामने समस्याएं आ रही हैं राशन की, खाद्य सामग्री की, वो कैसे अपना जीवन यापन कर पाएंगे ऐसे लॉकडाउन में, बंदी में। तो उनके लिए भी सरकार ने ये योजना जारी की है कि एक फार्म दिया गया है, वो फार्म प्रशासन की तरफ से जारी कर दिया गया है। वो फार्म को गरीब भरेंगे और भरने के बाद जो है अधिकारियों को जमा करेंगे और पार्षद के माध्यम से, ये बता दें कि पार्षद के माध्यम से ये फार्म जमा होगा और उस फार्म को जमा करने के बाद आप पंजीकृत हो जाएंगे, आपका नाम, पता, मोबाइल नंबर सारा कुछ पंजीकृत हो जाएगा, प्रशासनिक अधिकारियों तक पहुंच जाएगा और फिर उसके बाद जो है सरकार आपको जो है फ्री में राशन की व्यवस्था करेगी और तमाम और तरह की सुविधाएं जो है इस फार्म के माध्यम से आपको पहुंचेंगी। खास बात है कि ये फार्म अभी चल रहा है पार्षदों के माध्यम से, तो अगर जिन लोगों ने फार्म नहीं भरा है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा इस फार्म को भरकर जमा कर सकते हैं।